अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो ये जो है मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं अपना मॉर्निंग हेल्दी रूटीन आपसे शेयर करूँगी, जो कि इस लॉकडाउन में हम सब इसको फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अब जो सिचुएशन है पूरे देशों की, यहाँ पर इवन इंडिया में, तो सन बाथ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, हमारे लिए, अपनी बॉडी को गर्म रखना। और सन की जितनी भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं सन की वजह से, उसको लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बच्चों को यहाँ पर नियरली 7:15 यहाँ पर ऊपर लाती हूँ, जो कि सन बाथिंग के लिए। आप देख सकते हैं सूरज किस तरह का होता है सनसेट के टाइम पर, जिस तरह धीमा सा सूरज होता है उसी तरह सनराइज़ के टाइम पर भी वही होता है। गाइस, इस टाइम पे हम यहाँ पर इस चादर को बिछा देते हैं और नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चों को ऊपर की तरफ ले आना, और ये सब करने के लिए आरुष मेरी मदद कर देती है। नेक्स्ट हम छोटू को ऊपर लाएंगे, तो आप देख सकते हैं छोटू सो रहा था और इसको उठा के लाया जा रहा है। और जब हम मॉर्निंग उठेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा बॉइलिंग वाटर। तो बॉइल्ड वाटर जो होता है, गरम गरम पानी आपको पीना है एक ग्लास, इससे हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छा होता है। और अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चे बिना कपड़ों के सन बाथ लिए, नियरली हाफ से 45 मिनट्स आप इनको सन बाथिंग के लिए रख लें। नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, तो हम यहाँ पे सैंडविच प्रिपेयर करेंगे। सैंडविच के लिए सिंपल ब्रेड लेना है और टोमेटोज को स्लाइस्ड करना है। और इसका मसाला बनवाने के लिए आप कोई भी वेजीज, नॉन वेज कोई भी मसाला बनवा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रेडी मसाला ले रही हूँ जो कि मेरे पास रेडी है, पाव भाजी वाला मसाला। गाइस, एक साइड पर मैं टोमेटो सॉस लगाऊँगी और दूसरी साइड पे आप मायोनीज या ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी तरफ सिर्फ मसाले का मिक्सचर रखूँगी और इसको स्प्रेड करके उसके ऊपर टोमेटोज़ को रख दूँगी। ये तवे पे भी आराम से फ्राई हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको फुल बेक्ड करूँगी ओवन में। तवे पे तो सिर्फ दोनों साइड पे फ्राई होगा, अगर आप ओवन में करेंगे तो ये फुली बेक्ड होके आएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोल्डन ब्राउन बना है। चलिए जी, अब इसको खाने का टाइम आया है। मैं यूजुअली ब्रेड का जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ब्रेड इस्तेमाल, जिस भी डिशेस में ब्रेड इस्तेमाल होते हैं, मैं इसको बहुत ही अवॉइड करती हूँ। लेकिन ये जो गोल्डन ब्राउन जो बेक्ड वाले सैंडविचेस बने हैं, इसको मैंने बहुत ही एंजॉय किए हैं। इसमें जो टोमेटोज मैंने रखवाए हैं वो भी फुल्ली बेक्ड हुए हैं। बच्चों के लिए स्पेशली अगर आप इस तरह से करवा के देंगे तो वो बच्चे टोमेटोज भी खा लेंगे। तो देखते हैं ये बच्चे टोमेटोज खा लेते हैं या इसको बचाते हैं। गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। इंशाल्लाह आगे मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी वो ट्यूटोरियल बेस्ड होंगे, जिसमें ड्रेस डिज़ाइनिंग होगी, गाउन्स मेकिंग होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें बहुत सारे डिज़ाइन जो कि आप ईद के लिए या फिर किसी भी पार्टी वेयर के लिए गाउन्स बनवा सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस आपके सामने लाऊंगी। गाइस, इसलिए अगर आप ये मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे अच्छे डिज़ाइंस और ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। चलो, तो यहाँ पे ये तीन फैब्रिक्स है, बीच वाला फैब्रिक और यहाँ पे रेड वाले दो फैब्रिक्स है, बहुत तीन फैब्रिक्स है तीनों भी। गाइस, अगर आपके पास कोई भी डिज़ाइन है जो इसको इस पर मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें, मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। तो अब चले हम इनकी तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है या नहीं। तो ये कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो टोमेटोज बचाए जा रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत सारे टोमेटोज खाए भी गए हैं। गाइस, हम लोग जो लॉकडाउन में है, हम बहुत सेफ, अपने बच्चों को बहुत सेफ़ रखना है, इसके लिए आप ज़रूर अपने बच्चों को गर्म पानी पिलाएं। नीम गर्म तो हर कोई पीता है, लेकिन इसको गर्मा गर्म पानी जो कि बच्चे कंट्रोल कर सके।
गाइस हाँ, मैं आप वीडियो को ख़त्म करूँगी। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा है। आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और लाइक करें। बहुत जल्द हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह।